एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप लोग आए, क्या आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ जेएन कॉलेज, वहाँ पे कुछ काम है, वो काम करके फिर आपका भाई निकलेगा दरभंगा के लिए। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं चाय पीने के लिए, और आज नीरज भाई चाय पिलाएगा गोट कैंपस में, क्योंकि वहाँ का चाय बहुत अच्छा लगता है। आप लोग, हम लोग एक बार और गए थे चाय पीने के लिए गोट कैंपस। अभी हम लोग पहुँच गए वी मार्ट के पास, ये माधोनी का वी मार्ट है, ये वी मार्ट है। हम लोग चाय पी करके फिर जाएंगे जेएन कॉलेज, वहाँ पे कुछ काम है कॉलेज में, फिर उधर से काम करके फिर दरभंगा निकलना है। सिटी कार्ड है जो आपको मधुबनी में मिल जाएगा, अच्छा डिस्काउंट मिलता है। आज गाड़ी या कौन चला रहा है वो आप खुद देखिए मिरर में, आपका भाई नीरज चला रहा है गाड़ी। तो गाइस हम लोग पहुँच गए थाना मोड़। थाना मोड़ को तो ऐसे चेकिंग भी चलता है गाड़ी का, लेकिन अभी कोई चेकिंग नहीं चल रहा है। थाना मोड़ के पास करेक्टर ऑफिस है, करेक्टर ऑफिस है ना, हाँ आप लोगों को करेक्टर ऑफिस भी दिखाएंगे। ये जो दिख रहा है ये करेक्टर ऑफिस है। गन्ना का जिस लिए भाई, तो गाय हम लोग पहुंच गए कोर्ट कैंपस। तो वहाँ गाय हम लोग आ गए चाय दुकान पे, अभी चाय पियेंगे। गाय ये जो दिख रहा है ना गाड़ी, ये अपना गाड़ी है नीरज भाई का। ये कोर्ट कैंपस है और अभी हम लोग निकल रहे हैं चाय पी करके। हाँ थोड़ा बहुत नहा लेंगे तो और फ्रेश हो जाएगा। चाय पीने के बाद है ना ट्रेन मूड फ्रेश हो जाता है। तो हम लोग अभी कोर्ट कैंपस से निकल गए, अभी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे भाई? अभी कस्टमर हैंडल करने जा रहे हैं। मन तो कर रहा है गोलगप्पा भी खाऊं। अभी हम लोग जाएंगे जेएन कॉलेज, तो वहाँ पे कुछ काम है प्रिंसिपल से। अगर आप लोगों को मधुबनी घूमना हो तो नीरज से संपर्क कर लेना, क्योंकि उसको है ना पूरा रास्ता देखा हुआ है। बस आप लोगों को पूरा मधुबनी घुमाने के लिए वो 500 रुपये लेगा एक दिन का, काफ़ी नहीं है। गाड़ी चला रहा है, हम लोग मैं पीछे में बैठा हूँ। यहाँ पे कुछ काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, शायद लग रहा है ब्रिज बनेगा। ये नाला लग रहा है मुझे, हम लोग जा रहे गांव होकर के उनके पास जा रहे क्या। ये गाय कितना प्यार से देख रहा है, मेरे को डर लग रहा है फिर भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो फ्रेंड देख रहे हैं ये बकरी है, ये बकरी का बच्चा भी यहाँ पे, और यहाँ पे ना कुछ बन रहा है, नाला बन रहा है, बहुत बड़ा नाला है। मैं वहाँ पे जाकर के दिखा रहा हूँ आप लोगों को कितना गहरा है। मुझे तो लग रहा है काफी ज्यादा गहरा है। ये देखिए तो यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, काफी बड़ा नाला बन रहा है मधुबनी में। ये इलाका कौन सा है मालूम नहीं, लेकिन जो भी बन रहा है काफी अच्छा बन रहा है। काम चालू हो गया है और यहाँ का लोकेशन काफी अच्छा है। यहाँ पे गाय का बच्चा देखने को मिल रहा है। ये देख रहे हैं बकरी का बच्चा घास चबा रहा है। नजदीक से मैं दिखा रहा हूँ बकरी का बच्चा, कितना प्यारा लग रहा है देखने में। और अब हम लोग जाएंगे जेएन कॉलेज, और ये देख रहे हैं नीरज, यहाँ पे नीरज भाई है,
वेट कर रहा है मेरा नीरज भाई यहाँ पे। तो अभी हम लोग जाएंगे गाड़ी पे बैठेंगे फिर निकलेंगे राइडिंग के लिए। तो फ्रेंड पीछे जो दिख रहा है वो भाई का गाड़ी है, नीरज भाई का। मैं ये गाड़ी को सिनेमैटिक में दिखाना चाहूँगा कितना अच्छा दिख रहा है। अभी तो गाड़ी का नंबर भी नहीं मिला हम लोगों को, और नंबर मिल जाए तो हम लोग नेपाल घूमने का प्लान बना चुके हैं, घूमने जाएंगे यही गाड़ी से। ये गाड़ी का कॉस्ट मैक्सिमम 90,000 पड़ गया हम लोगों को। कैसा लग रहा है आप लोगों को ये गाड़ी बताइए कमेंट में, क्योंकि ये गाड़ी है ना माइलेज काफ़ी ज़्यादा देते हैं, अच्छा एवरेज देने के कारण ये गाड़ी हम लोग चॉइस करें कि यही गाड़ी लेंगे। बारिश ज़्यादा होने के कारण आप देख रहे हैं इंजन पूरा कीचड़ चला गया है, उसको अभी हम लोग क्लीन करवाएंगे। चलते हैं हम लोग पहले जे एन कॉलेज। तो फ्रेंड फाइनली हम लोग जे एन कॉलेज पहुँच गए हैं, अब यहाँ पे 5 मिनट का काम है, उसके बाद हम लोग दरभंगा के लिए निकलेंगे। फाइनली काम हो गया है तो अब हम लोग दरभंगा के लिए निकल पड़े हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे।